यशु देख उठाओगे वापस को रोड पे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाया था चॉकलेट सैंडविच, तो वो मैंने बना के दे दिया उन्हें। और अभी स्कूल गए हैं दोनों के दोनों, और आज मैं पूरा दिन में क्या क्या करने वाली हूँ वो आप आगे 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 वीडियो में देखते रहना। तो करते हैं अब बाकी का और काम अपना। और ना हमारे घर में ना एक चूहा आ गया, काफ़ी दिन हो गए उसको परेशान करते करते, तो आज पिंजरा लगाया था, अभी अभी आया, ये रखा। मैंने ध्यान भी नहीं किया था कि कहाँ पे है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको एक बार। ये रहा, कितना मोटा है, अयो। मुझे सच्ची में ना चूहों से बहुत डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं पास भी नहीं जा सकती इसके। टमाटर खा लिया इसने, एक टमाटर के लिए जाल में फंस गया तू। दम से दूर रहना। यश देख, इन्होंने ना पीछे से पैर लगा दिया और मैं डर गई। यश देखो कैसे डर रहा है। यश तेरे पापा ने मुझे अभी डरा दिया, मैं उतना चिल्लाई। मेरे तो अब कोई हाथ भी लगा देगा ना तो अभी मुझे डर लगेगा। मान जाओ ना, अगर हम आपको डराए तो मेरा देखो दुख 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 हो रही है बहुत तेज वाली। इसके अंदर चीज फेंक दो। इसके अंदर टमाटर है। ओए रब्बा, देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ। ना ना, इतना भी मत परेशान, फ्लैश ऑन करो। ये रहा कितना मोटा चूहा। खुद जाएगा जी, दूर रख लो। ये जा रहा, अब इसको दूर छोड़ के आएंगे कहीं। ये रहा नहीं मारेंगे, नहीं बेटा। और बहुत दिनों से इसने परेशान कर रखा था, बहुत दिन हो गए। मैं एक बार तो डर के मारे रसोई में घुसी ही नहीं, इतना डर लगा मुझे कि हाँ चूहा है। ये चल रहा, कितना मोटा है, भगवान। कहाँ छोड़ के आओगे वापस को? रोड पे। गए इसको छोड़ने के लिए। डोगी वोगी के पास मत छोड़ना, खा जाएंगे। वो चल दिया ढोगी। और धर्मश्री गए हैं उसको छोड़ने के लिए। मान जा यशु, पागल है क्या? गिर जाऊंगी मैं, बदतमीजी है, मैं चाटा लगा दूंगी तेरे। चल गेट बंद कर, बहुत बदतमीज बच्चा है ये। तो छोड़ने के लिए चलेंगे। बिल्कुल नहीं डरते यार आजकल के बच्चे। पिटाओ पिटाओ रहते हैं हमेशा। अभी आगे आगे क्या होगा वीडियो में, अभी तो मैंने चूहा देखो इतना मोटा, ये भगवान सिर घूम रहा है इतना मोटा चूहा देख के तो। और बस अब नेक्स्ट पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, अभी तो मैं थोड़ी देर फोन चलाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ आज। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और मैं बना रही हूँ मैगी, तो बच्चों के लिए आज मैगी बना रही हूँ। और काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ मैं मैगी। और हाँ, मेरा मन है कि आज मैं भी मैगी खाऊँ, क्योंकि मैं जल्दी से ना मैगी वैगी कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन भूख लगा लो या कुछ भी लगा लो, शाम की जो थोड़ी थोड़ी भूख होती है ना वो है, तो सोच रही हूँ थोड़ी सी मैं भी खा लूँ। और देखो ये बनती है मैगी, बस अभी बन ही गई है, थोड़ी सी कसूर है। और बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखी वीखी नहीं खाते, सिर्फ थोड़ा सा मसाला, जो मैगी मसाला होता है ना वो ही डालती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। बस मैगी बन चुकी है, अभी मैं बच्चों के लिए डाल दूंगी मैगी। और मैगी बनके हो चुकी है रेडी, और याशी तो आ भी गई है, तो अभी मैं इनको दे देती हूँ। पहले एक भाई को दे दे, एक तू ले ले, ले जाओ आराम से, गिरा मदन। और आज मैंने भी थोड़ी सी मैगी ली, मैं बिल्कुल थोड़ी सी ही खाऊंगी, क्योंकि अभी काफी गर्म है, और मुझे खाऊंगी तो गर्म गर्म ही खाऊंगी। और मैंने पता नहीं कितने साल हो गए मैगी खाई भी नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज थोड़ी भूख है तो सोचा थोड़ी सी खा लेती हूँ। तो चख के देखती हूँ, खा के देखती हूँ कैसी है, टेस्ट भी भूल गई होगी मैं तो, क्योंकि मैं ये सब चीजें ना खाती नहीं हूँ, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया। और अभी रुक,
अरे मैगी हो गई, मैं हाँ चाउमीन खा लेती हूँ, मुझे चाउमीन अच्छी लगती है क्योंकि वो चटपटी ज़्यादा होती है, तो चाउमीन खा लेती हूँ। और मोमोज खा लेती हूँ, मोमोज मुझे अच्छे लगते हैं। और क्या है, बस इक्की दुक्की चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है, बाकी तो मैं इतना कुछ नहीं खाती बाहर का, वो भी कभी कभार खा लेती हूँ। अभी मैं मजे लेती हूँ मैगी के, चलिए। भूख लग रही है। और अभी हम ना लेटे हुए थे, मतलब अभी हमने खाना नहीं खाया है, तीनों ने उसके पापा फंक्शन में गए थे, और यश ने उनको पिज्ज़ा वगैरह के लिए बोला था, लेकिन पिज्ज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ लेके आ रहे हैं, तो बोला खाना मत खाना, तो हमने तीनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया है। और मैं अभी कह रही, यश क्या कह रही थी, मैं ये बोल रहा कि भूख लगी है मतलब धर्मशी कह रहे थे कि मैं यहीं आ लिया पास में, बस 5 मिनट में पहुँचाऊँगा, 10 मिनट हो चुकी है, 5 मिनट 10 मिनट अभी हो चुकी है, तो यश कह रहा, मैं कह रही यश काउंट कर ले, मम्मा कितना काउंट करूं? नहीं बोलो, यश काउंट कर ले, कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक काउंट कर, अभी तू काउंटिंग तो शुरू तो करे, हो सकता है बीच में ही आ जाए, हो सकता है 5 पे ही आ जाए, हो सकता है 10 पे आ जाए, करो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 गेट बज गए, 1 पे ही आ गए, मैंने बोला ना 4 पे आ गए, 4 पे 1 2 3 करते के साथ ही आ गए, देख लो कितने पे आ गए, 4 पे 4, अभी 4 तो हुआ भी नहीं था तेरा झूठे, मैंने बोला था ना कि आ गए ना, बस अब यश को आ रही है नींद, क्योंकि मेरा बेटा उठता है बहुत जल्दी, घूमने जाता है ये सुबह अपने पापा के साथ, है ना भाई, चलो तो लेट उठते हैं, उनको तो आदत है, चलो अब आप देखो, और देखो इन्होंने नीचे क्या हाल बनाया, देखो पूरा दिन घर को बिखेर देते हैं, हैं ये क्या किया है, चलो अब हम खाते हैं, क्या लेके आया पहले ये देखो, ये क्या लेके आए, चमचम, ये चमचम लेके आए थे, ये यश के लिए कुछ लेके आए, ये चमचम इस पे रख दो, अलमारी के ऊपर रख दो, हाँ लड्डू को भोग लग जाएगा पहले, क्या लेके आए हो, ये क्या है, ग्रेवी चाप, चाप की सब्जी है, रोटी तो मैंने बना ली थी, अच्छा बटर नान लेके आए यश के लिए, और चाप है, मुझे नहीं पता, हाँ शायद नहीं, बटर नान है, स्टफ नान नहीं होगा, तो अभी चलो खाना खा लेते हैं पहले, मैं देखो आपके सामने मिर्च खा के देखो, अरे हाँ ये ऊपर ऊपर की तो चिन्नों से कोई भी खा लेगा खाना ये होता है यहाँ से, ये मिर्ची खा के दिखा रहा है, देखो किसको पागल बना रहा है बेटू, तू यहाँ से खाते हैं, यहाँ से तीखी तीखी जब लगेगी ना, अरे रहने दे सुबह मुश्किल हो जाएगी फिर तुझे चलो अभी खाना डालती हूँ मैं, खाना खाते हैं चलो, ये रसोई में लेके चलिए आज, हाँ हाँ खा लेना चलो। और अभी सबने खाना वगैरह खा लिया है, और खाना खाने के बाद सब हो चुके हैं फ्री, लेकिन मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं मुझे करनी है अपने किचन की सफाई, तो बस लगभग हो ही चुकी थी किचन की सफाई भी, बर्तन वगैरह मैंने वॉश करके रख ही दिए थे, और हाँ आज जो चूहा निकला था ना, उसने ना बहुत दिनों से हमें परेशान कर रखा था, मतलब एक ही डर था कि कभी वो गैस की पाइप को ना काट दे, बस बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, मतलब कागज़ वगैरह तो उसने पता नहीं कितने सारे काट दिए थे, जो एक दो दवाई भी रखी थी वो भी काट दी थी, तो बहुत परेशान कर रखा था, और मैं तो किचन में जा भी बहुत कम रही थी क्योंकि मुझे उसका बहुत डर लग रहा था, हालांकि पता था कि वो कहाँ पे उसने अपनी जगह बनाई हुई है, लेकिन वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे थे, इसलिए बस पिंजरा मंगवा के और पिंजरा रखा, और वो आ भी गया उसके अंदर, तो काफ़ी दिन बाद निकला है वो, शायद महीना एक महीना हो गया होगा उसको यहाँ पे आए हुए, लेकिन वो निकल के ही नहीं दे रहा था, लेकिन अभी वो फाइनली निकल चुका है, और मेरा डर भी निकल चुका है, तो बस अभी मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है, और गर्म पानी मैंने रख ही दिया है, क्योंकि मैं रात को गर्म पानी करके रख लेती हूँ ताकि मॉर्निंग में उठ के गर्म करना ना पड़े, तो अभी बस मैंने दूध डाला है अपना, और आज हमने खाया है, मतलब बच्चों ने बाहर का खाया है, मैंने तो अपनी रोटी ही खाई है, मैं नहीं खाती, और चाप तो मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती, तो हाँ धर्मशी बनाते हैं ना वो मुझे कभी कभार अच्छी लगती है, बाकी मुझे चाप वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो आज ये लोग लेके आए थे चाप की सब्जी, तो बस अभी मेरा काम ख़त्म हो चुका है, खाना वगैरह हमारा हो चुका है, दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।